हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। पिछले क्लास में हमने मॉडल्स के बारे में बात किया था। मॉडल्स में हमने अभी तक देखा है कैन कुड का सेंटेंस में कैसे प्रयोग होता है। कैन कुड, माइट, कुड, शुड, इसका कहाँ पे हम इसका प्रयोग करते हैं और इसको हम कैसे समझेंगे कि कहाँ पे नीड नॉट का प्रयोग होगा, कहाँ पे मस्ट का होगा, कहाँ पे कैन का होगा, कहाँ पे कुड होगा, इसके बारे में बात किए थे फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे मे और माइट का प्रयोग कहाँ पे होगा, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं यूज ऑफ मे एंड माइट फ्रेंड्स। इस कहाँ पे यूज होता है यूज ऑफ मे एंड माइट? पॉसिबिलिटी बताने के लिए, संभावना बताने के लिए मे और माइट का प्रयोग होता है। देखते हैं कैसे संभावना इसमें सेंटेंस से समझेंगे। पॉसिबिलिटी मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? संभावना बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल से देखते हैं, जैसे इसमें लिखा है इट मे और माइट रेन, बारिश हो सकती है। फ्रेंड्स माइट का प्रयोग कहाँ पे होता है? रिमोट पॉसिबिलिटी बताने के लिए हम माइट का प्रयोग करते हैं। रिमोट रिमोट पॉसिबिलिटी बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? माइट का प्रयोग करते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। He may might go to Delhi tomorrow. वो कल दिल्ली जा सकता है। May और might फ्रेंड्स दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? माइट का। यू में फेल, तुम फेल हो सकते हो। अगला देखते हैं, टीना से दैट सी माइट गो देयर फ्रेंड्स। और माइट का प्रयोग कहाँ पे फ्रेंड्स? पास्ट टेंस में भी माइट का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है टीना से, टीना ने कहा कि वह वहां पे जा सकती थी। यहाँ माइट का प्रयोग कैसे? पास्ट टेंस में हुआ है फ्रेंड्स। माइट का प्रयोग यहाँ पे पास्ट टेंस में हुआ है। रिमोट पॉसिबिलिटी बताता है और कहाँ पे? पास्ट टेंस में भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। अगला देखते हैं, इसका प्रयोग परमिशन बताने के लिए फ्रेंड्स इसका कर सकते हैं। जैसे परमिशन के लिए भी हम मे और माइट का प्रयोग करते हैं। देखते हैं कैसे। परमिशन, जैसे आप स्कूल में स्टूडेंट हैं, बाहर जाना मे आई कम इन, मे आई गो आउट, ऐसे पूछने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मे का प्रयोग करते हैं। मे का प्रयोग परमिशन लेने के लिए हम करते हैं। यस यू मे कम इन, परमिशन लेने के लिए या परमिशन देने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। अगला क्या है? अगला देखते हैं विश का प्रयोग कहाँ पे होता है? विश या प्रेयर के लिए हम किसका इसका प्रयोग कर सकते हैं? मे यू एंजॉय मैरिटल हैप्पीनेस, आपको मैरिटल हैप्पीनेस फ्रेंड्स क्या होता है? वैवाहिक सुख समृद्धि आपको मिले, आपका शादी मंगलमय हो, आपका शादी मंगलमय हो। यहाँ पे यू मे एंजॉय मैरिटल हैप्पीनेस, किसी को आप शुभकामनाएं दे रहे हैं तो वहां पे भी हम मे का प्रयोग कर सकते हैं। आप दीर्घ आयु हो फ्रेंड्स, मे का प्रयोग प्रेयर या विश के लिए भी किया जाता है। अगला देखते हैं पर्पज बताने के लिए। पर्पज मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? उद्देश्य बताने के लिए भी हम मे का प्रयोग करते हैं। इसमें जैसे सी वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करती है। सो दैट, कठिन परिश्रम का उद्देश्य क्या होगा? ताकि वो पास हो सके फ्रेंड्स। सो दैट यहाँ पे क्या बता रहे हैं?
रीजन, वो पढ़ने का रीजन क्या है, सी में पास, जिससे उद्देश्य को भी बताया जा सकता है। सी केम, वो आई सो दैट, ताकि वो मुझसे मिल सके। उद्देश्य क्या है, मिलने का। सी माइट, या फिर पास्ट टेंस में इसका प्रयोग हुआ है। माइट का प्रयोग कहां पे करते हैं, पास्ट टेंस में। रिमोट पॉसिबिलिटी बताने के लिए हम जैसे पहले ही बताए हैं आपको, इसका प्रयोग होता है, माइट का प्रयोग होता है रिमोट पॉसिबिलिटी बताने के लिए। माइट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ मे टू एक्सप्रेस रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी बताने के लिए फ्रेंड्स हम माइट का एग्जांपल समझते हैं कि बारिश होने की संभावना है, इट माइट रेन, ही माइट बी स्लीपिंग नाउ, हुआ अभी सो रहा होगा, वह अभी सो रहा होगा। माइट भी से क्या हम रिमोट पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि वह अभी सो रहा होगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, और इससे क्या, और इससे क्या क्या एक्सप्रेस होता है उसको भी देख लेते हैं। नॉर्मली बोथ मी एंड माइट, मे एंड माइट कैन बी यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटीज से बताया जा सकता है, दोनों से, प्रेजेंट और फ्यूचर का, वर्तमान समय और फ्यूचर का हम इससे क्या पॉसिबिलिटी बता सकते हैं। हाउएवर, फिर भी माइट इज यूज्ड व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब, फिर भी माइट का प्रयोग पास्ट टेंस में भी किया जा सकता है, इन द पास्ट टेंस। मे माइट प्लस हैव, फ्रेंड्स लगा हो तो, मे माइट प्लस हैव लगा हो तो दे आर यूज्ड पॉसिबिलिटी डिजायरेबिलिटी रिलेटिंग टू द पास्ट एक्शन। पास्ट एक्शन बताने के लिए मे माइट प्लस हैव का होना वहां पे जरूरी है। एग्जांपल समझते हैं, कि मे और माइट हैव लेफ्ट यस्टरडे, कि मे माइट हैव लेफ्ट, वह कल चला गया होगा, वह कल चला गया होगा, इसमें क्या है पास्ट टेंस के बारे में, इट इज पॉसिबल कि वह चला गया है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। ही मे माइट हैव लगा है फ्रेंड्स, तो क्या बताएगा, पास्ट टेंस बताएगा। ही माइट हैव फेल्ड, वह फेल हो गया होगा, माइट हैव, इट इज पॉसिबल कि वह फेल हो गया है। बेटर यू माइट नॉट हैव रिवील्ड द सीक्रेट, अच्छा होता है कि तुम रहस्य को उजागर ना करते, माइट हैव नॉट रिवील्ड, रहस्य को उजागर ना करते, इसका मतलब रहस्य उजागर हो गया है, इट इज पॉसिबल दैट सीक्रेट वॉज रिवील्ड। फ्रेंड्स आई होप कि आपको मे माइट में आपको क्या डिफरेंस है समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।